त्याग और तपस्या के साथ विभिन्न साधनाओं के संकल्प का भी पर्व है माघ मेला। प्रयागराज में आयोजित माघ मेला साधनाओं के विविध संकल्पों का साक्षी बन रहा है। ऐसा ही एक साधना है भाभूति धुनि की साधना। अखिल भारतीय श्री पंच तेराई भाई त्यागी खाक चौक अयोध्या के साधु संतों के द्वारा यह साधना भभूति धुनि साधना की है, जो बेहद त्याग और संयम की स्थिति में पहुंचने के बाद की जाती है। अपने चारों तरफ आग की ज्वाला सुलगाकर उनकी आंच में आग के घेरे के बीच बैठकर की जाने वाली ये अग्नि साधना बसंत पंचमी के स्नान पर्व से प्रयागराज में चालू हुई। माघ क्षेत्र जप तप और साधना का क्षेत्र है, जिसके हर कोने में कोई ना कोई साधक अपनी साधना में अवश्य रत नजर आएगा। माघ मेले में तपस्वी नगर इन दिनों श्री पंच तेराई भाई त्यागी के संतों की एक खास तरह की साधना की वजह से यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। इस साधना में साधक अपने चारों तरफ जलती आग के कई घेरे बनाकर उसके बीच में बैठकर अपनी साधना करता है। जिस आग की हल्की आंच के संपर्क में आने से इंसान की त्वचा झुलस जाती है, उससे कई गुना अधिक आंच के घेरे में बैठकर ये तपस्वी अपनी साधना करते हैं। अखिल भारतीय पंच तेराई भाई त्यागी के साधकों की विशेष साधना है। ये साधना 18 वर्षों की होती है। सबसे पहले साधक इस साधना की अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए गाय के गोबर के उपले एकत्र करता है। इसके बाद साधना के स्थान को गंगा जल से अभिसंचित करने के बाद गोले के आकार में उसमें उपले रखकर उनमें आग सुलगा देता है। जलती आग के घेरे के बीच खुद बैठकर उसकी साधना शुरू होती है। 6 चरणों में पूरी होती है साधना। अगले दिन फिर यही क्रम दोहराया जाता है। 1 चरण के तहत 3 वर्षों तक बसंत पंचमी से ज्येष्ठ गंगा दशहरा तक यह अनुष्ठान चलता रहता है। ये साधना का पहला चरण है, जो आगे जाकर 6 चरणों में पूरा होता है। अग्नि स्नान के 6 चरणों में क्रमशः अभ्यास का क्रम बढ़ता जाता है और प्रत्येक चरण के साथ अनुष्ठान और कठिन होता जाता है। 18 वर्षों की अखंड तप की साधना में 3-3 वर्षों की साधना अलग अलग चरणों में होती है। पंच धुनी की तपस्या में साधक अपने चारों ओर 5 धुनी जलाते हैं। पंच धुनी से शुरुआत के बाद सप्त धुनी, द्वादश धुनी, 84 धुनी, कोटि धुनी और अंत में कोटि खप्पर से तपस्या का संकल्प पूरा होता है। और ये जो है 18 साल का पूरा होता है तप, मतलब 6 में होता है, 6 डिग्री होती है इसमें। एक पंच धुनी होता है, फिर सप्त धुनी होता है, उसके बाद द्वादश धुनी आता है, उसके बाद 84 होता है, उसके बाद कोट आता है, और उसके बाद कोट और खप्पर मथे पर रख के जो तापा जाता है, वो सब 6 कोर्स होते हैं। और 6 कोर्स जो है 3-3 साल के होते हैं, इसलिए सब मिला के 18 साल तक ये तप करना पड़ता है। सबसे कठिन जो है कोट खप्पर लास्ट वाला रहता है। उसके ऊपर क्या है, अपने मत्थे के ऊपर भी आग जलाना पड़ता है, वो चारों तरफ भी जलता है, उसमें सब में हवन करना रहता है, और तप बहुत कठिन तपस्या है। ये सब भक्त जनों के लिए, पूरे संसार के लिए, सब सुखी रहे, सब आनंद में रहे, भगवान समय से बारिश करे, समय से सब चलता रहे और अपना कल्याण करे, जनता का कल्याण करे, इसीलिए किया जाता है। सबसे ज़्यादा अपने जो अखिल भारतीय श्री पंच तेरा भाई त्यागी खाक चौक नयागढ़ अयोध्या की जो परंपरा है, उसी में सबसे ज़्यादा होता है। सब महात्मा उसी में आके धुनी तपते हैं और चलते रहता है। यहाँ अपना तपस्वी नगर लगता है। श्री श्री 108 महंत राम संतोष दास जी महाराज के यहाँ सबसे ज़्यादा महात्मा आते हैं, और यहाँ इसीलिए इसका नाम भी तपस्वी नगर रखा गया, कैंप का नाम तपस्वी नगर रखा गया है। मैं गोपाल दास, पंच तेरा भाई त्यागी खाक चौक अयोध्या दिगंबर अखाड़ा के। हमारे साधु परंपरा के हिसाब से रामानंदाचार्य भगवान की समय से ये भभूति धुनी तपते रहे। पंच से ही शुरू होती है, सत 18 साल तक ये लग्गा लगाते हैं, पंच से शुरू करते हैं, 18 साल तक धुनी तपते, धुनी लगा करके आग लगा कर तपस्या करते हैं। विनय दास, तेरा भाई त्यागी। इस साधना का सबसे चरम चरण है कोटि खप्पर साधना। कोटि खप्पर में तो सिर पर आग रखकर की जाती है साधना। गुरु के लिए ये अपने शिष्य की प्रथम परीक्षा होती है। धुनी रमाने का अनुष्ठान आरंभ होने के 18 साल तक वैरागी को वर्ष में 5 बसंत पंचमी से आषाढ़ माह के गंगा दशहरा तक नियमित करना होता है। एक साधक के तौर पर
साधु अपनी साधना से गुरु को इस दौरान प्रभावित करता है। इस अनुष्ठान में साधक अपने चारों ओर उपलों की आग जलाता है और मुख्य गुरु स्वरूप अग्नि कुंड से आग को लेकर अपने आसपास छोटे छोटे अग्निपिंड प्रज्वलित करता है। हर अग्निपिंड में रखी जाने वाली अग्नि को चिमटे में दबाकर वैरागी अपने ऊपर से घुमाता और पिंड में रखता है। इसके साथ ही साधक पैरों पर कपड़ा डालकर गुरु मंत्र का उच्चारण करता है। बेहद गुप्त और संवेदनशील प्रक्रिया के दौरान साधक को अपने मन और तन पर नियंत्रण करना होता है। कड़ी आग के बीच बैठकर इस अनुष्ठान को पूरा करने के पीछे न सिर्फ साधना के उद्देश्य की पूर्ति करनी होती है, बल्कि साधु की क्षमता और सहनशीलता का परीक्षण भी होता है। लगातार 18 वर्षों तक साल के 4 माह इस कठोर तप से गुजरने के बाद उस साधु को वैरागी की उपाधि प्राप्त होती है।